हेलो फ्रेंड्स, हस्बैंड एंड वाइफ कुकिंग में आपका दोबारा स्वागत है। आज एक बहुत ही इजी क्विक ब्रेकफास्ट रेसिपी लेके आए हैं जिसका नाम है वेजी चीज़ टोस्ट। उसमें थोड़ा सा मैंने ट्विस्ट दिया है, उसमें मैं जैम यूज़ करूँगी, आप कोई भी जैम यूज़ कर सकते हैं। तो आइए देखिए उसके इंग्रेडिएंट्स। मैंने हाफ कप शेडर चीज़ लिया, आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं। एक टेबल स्पून मैंने जैम लिया है और हाफ कप शिमला मिर्च है, हाफ कप टोमेटोज़ हैं और हाफ कप चॉप्ड अनियंस हैं। और मैंने सॉल्ट और पेपर लिया, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। आप जो है, अगर मेरा शेडर चीज़ जो है ऑलरेडी सॉल्टेड है तो मैं बहुत कम यूज़ करूँगी। और जो है हमने चार स्लाइसेस इसके लिए ब्रेड लिए हैं। चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है इस पर जैम स्प्रेड करेंगे। आप इसकी जगह केचप या टोमेटो सॉस या जो भी आपके पास अवेलेबल है वो ले सकते हैं। मैंने जैम इसीलिए लिया, इसमें बहुत ही लाइट शुगर है कि सुबह जो है केक स्टार्ट ब्रेकफास्ट जो है थोड़ा शुगर अच्छा लगता है, तो मैंने अच्छी तरह से उसको जैम को स्प्रेड कर लिया है। इसके बाद मैं इसके ऊपर अनियंस रखूँगी। तो अनियंस थोड़े से, अगर आप रॉ नहीं खाना चाहते हैं, वैसे तो टोस्ट हो जाएंगे तो आप उसको टोस्ट भी कर सकते हैं, बट मैं ऐसे ही ले रही हूँ। यहाँ पर मैंने थोड़े अनियन लिए हैं और उसके ऊपर मैं जो है टोमेटोज लूँगी, उसके ऊपर जो है मैं टोमेटोज मैं थोड़े ज़्यादा ले रही हूँ, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और उसके बाद जो है मैं इस पर शिमला मिर्च डालूँगी या कैप्सिकम, बेल पेपर, जो भी आपके पास अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स हैं। आप इसमें कॉर्न्स भी डाल सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल है आप उसके ऊपर डाल सकते हैं। और इसके बाद जो है मुझे इसके ऊपर चीज़ डालना है, तो चीज़ अच्छी तरह स्प्रेड करके डालिए ताकि जो है वो मेल्ट होएगा। अब हम जब ये बना लेंगे तो देखिए ऐसा लगता है, मैंने इसमें सॉल्ट और पेपर नहीं डाला है क्योंकि ऑलरेडी मेरा चीज़ जो है वो अच्छा सॉल्टेड है। अगर आपका चीज़ सॉल्टेड नहीं है तो आप जो है सॉल्ट एंड पेपर ऐड कर सकते हैं। हाँ, मैंने जो अवन अपना है प्री हीट किया है 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। आज हम बड़े अवन में नहीं बना रहे हैं तो उसके लिए हम छोटा अवन ले रहे हैं। और मैंने जो है ब्रॉयल और ग्रिल पे किया है और मैंने लाइट टोस्ट किया। अगर आपको ज़्यादा टोस्ट करना है तो आप उसको ज़्यादा टोस्ट कर सकते हैं। तो आइए इसे रखेंगे और जब तक हम वेट करेंगे 5 to 10 मिनट्स इसको लगते हैं, तो हम उसके बाद चेक करेंगे बीच बीच में इसको। तो इसको अबाउट 12 मिनट्स हो गया मैंने इसके लिए रखा। आप देख सकते हैं कि चीज़ ऊपर बहुत अच्छी तरह मेल्ट हो गया है, वेजीज जो है ग्रिल हो गई हैं और नीचे से भी अच्छा टोस्ट हो गया है। अगर आपको ज़्यादा टोस्ट करना है तो आप अपना टोस्ट और ग्रिल की सेटिंग पे भी कर सकते हैं, तो अपने अकॉर्डिंगली आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये रेडी है हमारे लिए, क्योंकि ये मैंने अपने अभी बेटे के लिए बनाया है और उसको थोड़ा लाइट टोस्टेड जो है पसंद है। तो आइए इसे सर्व करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशियस कलरफुल ब्रेकफास्ट है, स्पेशली बच्चों के लिए, क्योंकि उनको चीज़ के साथ आप कोई भी वेजीज देंगे तो बहुत पसंद है। आप ज़्यादा चीज़ भी डाल सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली वेजीज भी चेंज कर सकते हैं, तो यू कैन एक्सपेरिमेंट विद दैट। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, हमारी रेसिपी पसंद आई, तो हमें थम्स अप दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे आपको एक दोबारा एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।